आप बोलोगे कि भाई बैड न्यूज़ क्या हुई, तो गाइस बैड न्यूज़ यार इसके अंदर है। अब आप बोलोगे भाई क्या है इसके अंदर, और जो फाइनली गाइस जैसा कि मैंने कहा था, रोआब और डार्क ब्लू बार के नीचे जो बच्चा है आप लोग कमेंट करना। ये देखो गाइस, ज़्यादातर एक अंडा ख़राब हो जाता है और एक बच्चा होता है तो ज़्यादातर वो मर जाता है। तो भाई ये मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैं चाह रहा था भाई इससे सिल्वर जोड़ लेंगे। और उसी के साथ गाइस ये जो चिक है ये, तो गाइस ये तीनों को भाई मैं सेल कर रहा हूँ जिस किसी को भी चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सही भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दूंगा और एक भाई मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी बैड न्यूज़ दूंगा। और उसी के साथ गाइस जैसे कि आपको पता है हमारे रोआब और ब्लू बार के नीचे जो बच्चा था, मैंने आपसे बोला था भाई आप लोग गेस करके बताना, तो अभी भाई आप लोग उसका कलर देखोगे तो आप लोग बोलोगे भाई मज़ा ही आ गया। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उसी के साथ एक चीज़ और है, वो भी बैड न्यूज़ ही है, तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले गाइस अपन क्या करते हैं, अपने सारे ही कबूतरों को भाई खोल देते हैं। और लाइट भी नहीं है तो अभी लॉफ्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो इतनी ज़्यादा रोशनी है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी दिख रहा है सुबह के हिसाब से, क्योंकि अभी धूप आने लगी है अपने घर में। आ, ये देख सकते हो गाइस, आ जा। तो भाई देख सकते हो आप लोग धीरे धीरे करके सारे ही कबूतर आ रहे हैं बाहर। और हमारा ये जो बच्चा था गाइस सेंटीनेट का बटरफ्लाई, ये बाहर भी आने लगा है और ये भाई उड़ने भी लगा है, देख सकते हो भाई आप लोग, और दाना वगैरह भी खाने लगा है। तो अभी गाइस मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो ये वाला खान है ना, इसमें तीनों पेटियाँ जो थी, मतलब तीनों इसके खान भर गए, इसके तीनों खान भर गए, इसके तीनों खान भर गए। अब आप बोलोगे सबसे नीचे इसमें क्या है, भाई सबसे पे अब इसमें ये कैसे घुस गए, शिट यार। अच्छा ये वाले हैं, मुझे लगा लक्का घुसी हुई है, मुझे लगा लक्का अपने अंडे छोड़ के नीचे घुस गई। तो गाइस ये तो लास्ट वीडियो में, अच्छा तुमने डाला है, तो जो हम नए कबूतर लाए थे ये वो हैं। चले आ, चले आ, तुम भी चले आ। इसको अभी क्या है, मैं ऐसा बंद इसलिए रखता हूँ, चले आ, कि दूसरा कोई कबूतर ना घुसे या फिर लक्का ही ना घुस जाए और अपनी कब्जा ना कर ले पेटी पे। इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। एक तो भाई मुखी का पैर है, जो कि भाई हमने अभी साथ रखा हुआ है। सबसे नीचे तुलसी है और ये ब्लैक है। ये देखो भाई ये मुखी का है, अभी ये इनका पैर लगा नहीं है, बस भाई साथ बंद कर रहा है ताकि यार इनकी आदत तो हो ही जाए, ठीक है भाई। और इसमें किंग है, इसमें मुखी है और ऊपर कैपोचेंस है। ये देखो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देख सकते हो गाइस। तो इन सभी को खोल दिया है और उसी के साथ गाइस इसको मैं रखता हूँ इधर, इसके अंदर भी मेरे हिसाब से भाई कबूतर हैं तो इनको भी खोल देता हूँ। तो भाई ये देखो इसमें ग्रे बार है, जो कि गाइस थोड़ा थोड़ा सा कंफर्म होने लगा है कि भाई वो मेल है। और अगर भाई वो मेल है तो भाई फिर तो उसके लिए यही फीमेल लगाई जाएगी, क्योंकि देखो मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। तुम चलो बाहर, चले आओ चले आओ चले जाओ। ये देखो गाइस ये बच्चा भी हमारा सही हो गया है, जाने लगा है, और ये भी भाई जाने लगा है, ये देखो। तो अब मैं आपको गाइस रिमेन रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों है भाई। तो सबसे पहले आप लोग भाई वो ग्रे बार देख लो, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो, ठीक है गाइस। तो इसकी स्टैंडिंग पोजीशन बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भाई इसके जो पेरेंट्स हैं, इसकी जो माँ है वो यूरोपियन में से निकली हुई है, तो उसकी स्टैंडिंग गाइस मुझे बहुत अच्छी लगी। न ज़्यादा लंबा छोड़ा है, बहुत अच्छी फेदरिंग भी है, और ये भी भाई यूरोपियन में से ही निकली हुई है, तो इसकी भी भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। तो हमने सोचा भाई इससे इंडियन में अपन लगा के जोड़ ख़राब नहीं करते, नहीं तो मेरे पास भी अच्छे अच्छे मेल हैं। मैंने कहा भाई रहने दो, अपन उस ग्रे बार से लगाते हैं। अभी तो भाई वो थोड़ा थोड़ा कन्फर्म होने लगा है, अब वो पूरा कन्फर्म हो जाएगा ना तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है भाई। और बाकी ये येल्लो मुखी अपने अंडे अच्छे से इंक्यूबेट करने लगी है, आप लोग देख सकते हो। भाई ये किंग है, तुम भी चले आओ। और इसको भी यार मैं कर देता हूँ, ये वाले किंग को भी यार मैं खोल देता हूँ, ठीक है भाई। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने सारे कबूतरों को भाई खोल दिया है, ये पेटी और इसकी जगह पर रख दूँ। ये देखो गाइस किंग भी खोल दिए हैं और इन सबको मैं करता हूँ बाहर। और यार अब अपन क्या करते हैं गाइस, अपने सारे ही कबूतरों को भाई दाना वगैरह कर देते हैं। ये देख सकते हो गाइस सारे कबूतर खुल चुके हैं धूप में, और अभी मैं क्या करता हूँ इन सबको दाना पानी कर देता हूँ भाई। अब सबसे पहले गाइस अपन अपने सारे कबूतरों को रख देते हैं दाना। आ आ आ आ आ आ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देख सकते हो भाई
तो अभी भाई इनको दाना वगैरह खाने देते हैं, और जैसे ही दाना वगैरह खा के अंदर जाएंगे फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस क्या सीन है। तो गाइस अभी भाई आप लोग देख रहे हो सारे कबूतर दाना खा रहे हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ सबसे पहले आप लोगों को भाई एक गुड न्यूज़ बता देता हूँ। पहले गुड न्यूज़ बताते हैं गाइस, मैं आपको बैड न्यूज़ बताऊँगा। तो अभी भाई मैंने और भाई ने चेक करा, सबसे पहली तो बैड न्यूज़ ही सुन लो अच्छा आप, कि इनके अंडे में भाई नस नहीं बन रही है। मतलब इनका जो अंडा था जो मुझे नीचे मिला था भाई वो ख़राब है और वो फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे लगता है इनका अंडा, मतलब ये वाला अंडा हटाऊंगा फिर ये मेटिंग वगैरह करके ख़ुद का अंडा देंगे, तो इनका ये वाला अंडा तो भाई ख़राब है, ठीक है गाइस। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी चीज़, तो गाइस फाइनली जो हमारी न्यू लेवेंडर जोड़ है, जो अभी हम भाई किंग के साथ हमारी जो लेवेंडर जोड़ लाए थे, तो फाइनली गाइस माशाल्लाह से उसने कल एक अंडा दिया है, और आप लोग को मैं दिखाता हूँ कहाँ हूँ, इतना बड़ा मेल है कि भाई उठ ही नहीं रहा। तो भाई आप लोग देख सकते हो एक अंडा दे दिया है इसने माशाल्लाह से, और भाई ये अच्छे से बैठा है, तो अभी भाई इसको अपन बैठा रहने देते हैं क्योंकि नया है, अपन ज़्यादा इसकी छेड़ करेंगे तो हो सकता है वो भाई बैठना बैठना छोड़ दे, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी इसको भाई अपन बैठा रहने देते हैं, ठीक है गाइस। और एक बैड न्यूज़ ये हुई थी कि भाई इनका इनने दो अंडे दिए थे, दोनों अंडों में अच्छे से नस भी बन रही थी, बच्चा भी बन रहा था, लेकिन भाई एक अंडा मैंने देखा तो परसों क्या हुआ यहाँ पर रखा हुआ था, तो मैंने उठाकर वापस इसके अंदर रख दिया चेक करके, तो थोड़ी देर के बाद भाई उसमें खून लगा मिला और भाई वो अंडा इन्होंने फोड़ दिया। तो पता नहीं भाई ये क्या सीन होता है कि भाई दो अंडे में जब चाहो कि भाई दो बच्चे लेंगे, ऐसा हम ले हो ही नहीं पाता, ज़्यादातर एक अंडा ख़राब हो जाता है और एक बच्चा होता है तो ज़्यादातर वो मर जाता है। तो भाई ये मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैं चाह रहा था भाई इससे सिल्वर जोड़ लेंगे, और सेम बच्चों की जोड़ की डिमांड भी गाइस काफ़ी ज़्यादा होती है सिंगल के हिसाब से, उसका रीज़न ये है कि भाई दो बच्चे कोई भी ले लेता, अब सिंगल में किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो ही वो लेगा, ऐसे तो कोई नहीं लेगा। और जो फाइनली गाइस जैसा कि मैंने कहा था रोआब और डार्क ब्लू बार के नीचे जो बच्चा है आप लोग कमेंट करना, ये देखो गाइस माशाल्लाह से खुले अच्छा जो रेड होता है ना बिल्कुल अच्छा वाला रेड वैसा कलर इसके गाइस आ रहा है, आप लोग क्लियर देख सकते हो माशाल्लाह से। और इसके पेरेंट्स बहुत अच्छा है, इसको भाई खिला भी रहा है, आप इसका पोटला देख सकते हो और कितना चौड़े सीने का बनेगा इंशाल्लाह ये, बाकी मार्किंग वगैरह भी यार इंशाल्लाह इसकी भाई अच्छी आएगी। तो ये था गाइस वो कलर जो कि मैंने आपसे पूछा था, मुझे खुद नहीं पता था जब ये बड़ा हुआ, जब मुझे भाई पता चला कि ये रेड कलर में आया, देखो भाई कितने बेहतरीन रेड कलर में आया है माशाल्लाह से। तो भाई गुड न्यूज़ तो ये हो गई, ठीक है एक, और बाकी ये भी कलर का भी मैंने आपको बता दिया, और इसकी बैड न्यूज़ हो गई एक अंडा ख़राब हो गया, इसके एक अंडे में नस नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया। और बाकी मैं आपको एक बार मेरे ब्लैक के बच्चे और दिखा देता हूँ, माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, दोनों की ग्रोथ गाइस काफ़ी अच्छी हो रही है, और ये मुझे लगता है डार्क ब्लैक शायद ही आए, वो वाला पीछे वाला आ सकता है, ये थोड़ा तुलसी में आएगा क्योंकि इनकी जो फीमेल है वो तुलसी में बच्चे निकालती है। अभी आप लोग देख सकते हो ये दोनों माशाल्लाह से सही हैं, और इसके नीचे दोनों अंडों में नस है, एक जो इसमें नहीं नस नहीं थी वो मैंने हटा दिया था, और जो एक और अंडा था वो पता नहीं किसका था वो मैंने रखा था, तो उसमें भी गाइस नस बन रही है। इन्होंने भी दो अंडे दिए हैं माशाल्लाह से, और ये भी अपने एक अंडे पे बैठे हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई बैड न्यूज़ क्या हुई, तो गाइस बैड न्यूज़ यार इसके अंदर है, अब आप बोलोगे भाई क्या है इसके अंदर, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं बाहर ले चलता हूँ, तो यार मैं आपको सबसे पहले दिखाई देता हूँ। तो गाइस क्या हुआ, शेरी का टाइम था, रात के बज रहे थे 3:30, और भाई गया था लॉफ्ट में क्योंकि भाई पानी वगैरह चेक करने जाते हैं और बाकी कबूतर वगैरह भी देख लेते हैं कि भाई कैसे हैं क्या हैं। तो यार फिर हमने देखा कि हमारे जो फेंटेल का बच्चा है गाइस वो बिल्कुल मरने वाला था, तो भाई ने रात में ही अलग कर दिया था क्योंकि भाई हमें लग ही रहा था कि ये भाई नहीं बच पाएगा। ये देखो गाइस इतना बेहतरीन कलर आ रहा था भाई इसके कि भाई मैं क्या ही बताऊँ, और मैं देख कर भाई शॉक्ड हो गया था कि भाई इसको, ये अच्छा खासा बच्चा था, इसको क्या हुआ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सबूर भाई आपके वाइट फेंटेलों के नीचे येलो था वो है, या आलमंड या ब्लैक के नीचे था वो है, तो गाइस मैं आपको बताऊं ये जो बच्चा है ना ये भाई है हमारे आलमंड और ब्लैक के नीचे का इनका, ये देख सकते हो ये ब्लैक वाली फीमेल और वो आलमंड मेल घूम रहा है, वो ये आ गया धूप में जो इसका, तो इसका ये बच्चा है भाई। और यार इतना बुरा लगा इसको देखकर, मुझे लग रहा क्योंकि इसके पेरेंट्स सही से पाल भी रहे थे, अभी तो भाई इसका पोटला खाली पड़ा है, और भाई मैंने इसका रीज़न हो सकता है ज़्यादा जितना मुझे लग रहा है इसका रीज़न है गाइज ये देखो भाई इसके बीट जो है वो चिपकी हुई है। अब जब भाई ने मुझे कल ये बताया ना तो मैं समझा गाइज कि ये बच्चा जो मरा है वो इनका मरा है,
इनका बोले तो ये वाले इनका, क्योंकि भाई ये जब कम से कम 4-5 दिन से गाइस ये बीमार है, मतलब इसको बुखार है। मैंने इसको चेक किया था, काफ़ी गर्म हो रहा था और आप लोग आँख वगैरह भी इसकी आ रही थी, देखो अभी भी थोड़ी सी आ रही है। तो मैंने कहा भाई इसके तो यार मतलब मुझे लगा ये नहीं बच पाएगा, लेकिन गाइस ये तो माशाल्लाह से बचा हुआ है, सर्वाइव भी कर रहा है। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मर गया गाइस उनका। मुझे लगा मरेगा तो शायद इनका मरेगा, लेकिन भाई कुछ भी हो जाता है, अच्छा खासा बच्चा भी चला जाता है। तो अभी गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि मैंने और भाई ने मिलकर डिसाइड की। अब आप बोलोगे भाई क्या चीज़ है, तो ये जो मेल है मेरा फेंटेल, आ जाओ बेटा, और भाई ये जो फीमेल है फेंटेल, और उसी के साथ गाइज ये जो चिक है ये। तो गाइज ये तीनों को भाई मैं सेल कर रहा हूँ, जिस किसी को भी चाहिए मुझसे ये ले सकता है। और उसी के साथ गाइज आपको फीमेल की क्वालिटी पता ही है कितनी हाई क्वालिटी की ये फीमेल है। ये देखो गाइज इसकी टेल वगैरह बहुत ही ज़्यादा घनी है, कांटा वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, क्लियर आप लोग देख सकते हो। और इससे मेल जो है भाई ये बहुत गर्म है, अंडे बच्चे करा हुआ मेल है और बच्चे भी बहुत अच्छे से पालता है। मैं आपको धूप में दिखा देता हूँ ये पैर, ये देख सकते हो गाइज ये फुल वाइट फेंटेल मेल है और भाई ये अपनी वाइट फेंटेल फीमेल है जो कि भाई अच्छे बड़े लॉफ्ट की है। तो ये दोनों इनके बच्चे के साथ, जिस किसी को भी चाहिए होगी मैं इस चिक के साथ गाइस तीनों दे दूंगा, क्योंकि भाई मेरा हो गया है अभी फेंटेल से थोड़ा सा मूड आउट, तो इसलिए मैंने और भाई ने सोचा कि भाई अपन फेंटेल हटा देते हैं, एक ही पैर रखते हैं, इनको भाई अभी रहने देते हैं अपने लॉफ में, क्योंकि 8 महीने इनको भी हो चुके हैं, आज तक भाई हम इनसे भी बच्चे नहीं ले पाए, 2 बार लिए हैं लेकिन भाई वो मर जाते हैं। तो वाइट पैर हटा देंगे और ये वाला पैर अभी रखेंगे। तो गाइस मैंने सोचा आपको आज की इसी वीडियो में बता दूँ कि भाई ये वाइट, गाइस बाद में कभी मूड होगा तो इंशाल्लाह अपन बाद में कभी ले आएंगे अच्छे से जगह वगह सेट करके। और बाकी वो किंग भी अवेलेबल है, आपको पता ही है, देख सकते हो। उसी के साथ यार भाई काफ़ी बुरा लगा यार ये देखकर कि हमारा इतना अच्छे कलर में बच्चा आ रहा था, पहली बार भाई इतना अच्छा कलर आता है, इससे पहले भी काफ़ी बच्चे लिए हैं लेकिन वो थोड़े डिफरेंट कलर के आए। ये कलर की यार काफ़ी मज़ा आता है, ये कलर काफ़ी यूनिक होते हैं, ब्राउन टाइप में, लाइट येलो भी बोल लो तो बहुत डिमांड भी होती है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं यार, अब अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, अपन तो टाइम टाइम पे बच्चे देखते रहते हैं। अब ये चीज़ भाई पता नहीं अपन लोग क्यों नहीं देख पाए, बाकी तो यार कोई नहीं, अब बच्चे तो यार मरते रहते हैं। इससे पहले हमारा येल्लो तो बड़ा होकर मर गया था, येल्लो शिराजी बच्चा, अब भाई ये चला गया, तो कोई नहीं यार अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये भाई ये थी भाई वो बैड न्यूज़, मुझे पता था भाई ये नहीं बच पाएगा, इसलिए मैंने पहले ही अलग कर दिया था ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो भाई इसको यार एक काम करो हटा देना, इसको मैं बंद कर देता हूँ, भाई इसको हटा देना। बाकी सब तो यार लॉफ्ट में ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। बाकी ये किंग भी अवेलेबल है, मैंने आपको बता ही दिया है, किसी को भी चाहिए तो मैं ये वाला किंग दे दूंगा और बाकी ये वाला पैर अपन रखेंगे। और बाकी गाइज पूरा लॉफ्ट का मैंने गाइज आपको भाई बता ही दिया है। तो गाइज ये तो थी भाई आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि गाइज मैंने आपको भाई एक गुड न्यूज़ थी, जिसमें कि भाई हमारे लेवेंडर ने, न्यू लेवेंडर जो थे उन्होंने एक अंडा दे दिया। और उसी के साथ गाइज हमारी जो भाई बेड न्यूज़ थी वो ये कि यार हमारे फेंटेल का, एलमंड और ब्लैक का, काफ़ी टाइम के बाद भाई बच्चा निकला था, वो भाई मर गया। और फेंटेल अगर किसी को पैर चाहिए चिक के साथ तो इंस्टाग्राम की मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हो, लेकिन डिलीवरी ज़्यादा दूर तक अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और MP के बाहर वाले तो यार बिल्कुल मैसेज करना ही मत, आसपास हो जाती है, रायसेन के आसपास थोड़ी बहुत जगहों पर। तो ये तो थी गाइस आज की हमारी वीडियो, अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखो भाई ये बिल्कुल बच्चे पालता हुआ पैर है, आप लोग क्लियर देख सकते हो, मेल बहुत अच्छे बच्चे पालता है, क्लियर आप लोग सामने से भाई देख सकते हो।